दोस्तों एक्साइट का होम यूपीएस 850 वोल्ट, ये डीसी पूरा ओके है, ये 12 वोल्ट देने के बाद यानी कि बैकअप ओके है, लेकिन जब हम लोग इसको चार्ज करते हैं मतलब इसका पावर देते हैं तो लाइट तो ब्लिंक करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई चार्जिंग एम्पियर नहीं है, मतलब चार्ज नहीं होता है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। दोस्तों ये सेट से पीसीबी को निकाल लिया हूँ। अब देखिए ऐसा प्रॉब्लम जो होता है वो ज़्यादातर ये कंट्रोल कार्ड के कारण ही होता है, तो ये जो कार्ड है इसको हम लोग बदल के देखते हैं। इसको खोल के देखिए दोस्तों ये खुल गया है ये कार्ड, तो इसमें अभी हम लोग नया कार्ड, ये जो नया कार्ड है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद हम लोग एक बार टेस्ट करके देखेंगे ये चलता है कि नहीं। ये फिटिंग हो चुका है और इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, तो अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ देखिए। और इसके बाद क्लीन, ये क्लीन भी हो गया देखिए। तो अभी इसको हम लोग सेट में फिटिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेट में फिटिंग करने के बाद ये देखिए चार्जिंग लाइट आ गया और इसके चार्जिंग एम्पियर भी यहाँ पे दिखा रहा है देखिए, ये 4, 5, 6 ये एम्पियर दिखा रहा है, मतलब अभी बैटरी चार्ज हो जाएगा, ये पूरा ओके हो चुका है, यहाँ पे ब्लिंकिंग भी कर रहा है। तो इसका प्रॉब्लम था ये कंट्रोल कार्ड ही, तो इसको चेंज करने से ये ऐसा प्रॉब्लम होने से ठीक हो जाता है।